Hi guys, welcome back to my channel. I hope y'all are doing good. So in today's video, I am going to review this hair mask. I think I am reviewing hair mask for the very first time on my channel. So this hair mask is from ReEquil. It's their pea protein and ceramide hair mask. This mask provides deep nourishment. This is silicone free and this is for all hair types. So today's video is going to be about hair mask. So पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि difference क्या है hair mask versus conditioner में. Hair mask usually हम hair wash करने के पहले लगाते हैं और कंडीशनर हम हेयर वॉश करने के बाद में लगाते हैं. वेयर जो हेयर मास्क होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है. कंडीशनर जो होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी काफी थिन होती है कंपेयर्ड टू हेयर मास्क. It's a 200 gram tub and this retails for 695 rupees, but I got it for 495. How? There is a link in the description box. You can click that and you can check that out. If I talk about its packaging, तो ये ऐसे एक 200 ग्राम का टब आता है और अगर आप इसे जब ओपन करोगे तो उसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा कैप है जिसको आप ओपन करके यू कैन सी द प्रोडक्ट. दिस मास्क कैन बी यूज्ड बाय मेन एंड वुमेन हु आर अबव 18 इयर्स. As you can see, this has a very very creamy consistency, conditioner जैसी consistency है इसकी, जिसकी वजह से बहुत easily spread हो जाता है. To use this mask, what you have to do is आपको अपने रूट से लेके एंड पे इसको लगाना है, 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, देन यू कैन वॉश इट ऑफ विद माइल्ड शैम्पू. दिस हेयर मास्क हैज सम अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पी प्रोटीन. पी प्रोटीन यूजुअली हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं. पी प्रोटीन इज एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू योर हेयर एंड स्किन. पी प्रोटीन वर्क्स अमेजिंग ऑन योर हेयर. ये आपके ड्राई और डिहाइड्रेटेड हेयर्स को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ ही आपके एक एक हेयर स्ट्रैंड को ट्रीट करता है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस और बाउंसी लगते हैं. उसके अलावा इसमें है सेरामाइड. सेरामाइड अगेन इज एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन. बट यहां पर अगर हम हेयर की बात कर रहे हैं तो ये आपके जो नेचुरल टेक्सचर है हेयर का उसको रीस्टोर करने में एंड ओवरऑल हेल्थ को जो हेयर की उसको रीस्टोर करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से दे अपीयर वेरी वेरी हेल्थी. दिस मास्क ऑल्सो क्लेम दैट दिस इज फ्री फ्रॉम सिलिकॉन एंड फ्री फ्रॉम ऑल द केमिकल्स. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्रिजी है या आपका स्कैल्प बहुत ड्राई है देन दिस हेयर मास्क इज एन अमेजिंग अमेजिंग हेयर मास्क. बट अगर आपके बाल थोड़े से ऑयली हैं, आपके स्कैल्प ऑयली है देन आई वोंट रिकमेंड दिस हेयर मास्क. यू नो क्या होता है कि जैसे अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तब तो ये आपके स्ट्रैंड्स को और आपके हेयर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा. बट अगर आपका स्कैल्प थोड़ा सा ऑयली है तो ये एक ऑयली सा ना रेसिड्यू छोड़ता है. तो हो सकता है कि अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आपके बाल और ज्यादा ऑयली लगने लगे. एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि इस हेयर मास्क को लगाकर आपको यू नो दैट स्पा वाली फीलिंग आएगी और आपके बाल बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस और बाउंसी लगने लगेंगे तो वैसा नहीं होता है. ये थोड़ा सा जो फ्रिज है उसको काम डाउन करता है तो आपके बाल कुछ टाइम के लिए थोड़े से जो होते हैं ना कि बहुत ज्यादा फ्लैट दिखते हैं. अगर मैं इस हेयर मास्क की क्लेम्स की बात करूं देन दिस हेयर मास्क क्लेम्स दैट इट्स फॉर्मुलेटेड विद फैटी एसिड्स बटर एंड अमीनो एसिड एंड अदर नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स. दिस हेयर मास्क पेनिट्रेट डीपर इनटू द स्कैल्प देन एन एवरेज शैम्पू और कंडीशनर एंड इट गिव्स कंप्लीट नरिशमेंट फ्रॉम रूट टू टिप एंड इट फुलफिल ऑल इट्स क्लेम्स. सो मेरी तरफ से इट्स एन 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट. अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने डैमेज बालों को ट्रीट करना चाहते हैं देन दिस हेयर मास्क इज फॉर यू. बट अगर आपको एक स्पा वाली फील चाहिए देन दिस हेयर मास्क इज नॉट फॉर यू. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्योंकि मेरे हेयर थोड़ा सा फ्रीजी साइड पर है और स्पेशली विंटर्स में और ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं तो मेरे लिए मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया है. बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी नहीं है देन आई डोंट थिंक ये आपको पसंद आएगा. ओवरऑल इट्स अ नाइस हेयर मास्क. मेरी तरफ से इट्स एन 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट. अगर आपका स्कैल्प ऑयली है देन आई वोंट रिकमेंड दिस हेयर मास्क टू यू. This is it for today's video. I hope you have liked my video. If you do, don't forget to subscribe to my channel. Like this video, share this video. Till then, take care and bye-bye.